नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गंधर्व वत्स और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टीचर्स डे के ऑफर के बारे में। टीचर्स का जो भी इक्विपमेंट्स है, जैसे डिजिटल बोर्ड यदि आप लेना चाहते हैं, ऐप बनवाना चाहते हैं, ठीक है, तो ये सब आपका एक इक्विपमेंट्स है, तो आपको बता दें कि ये वीडियो में बताने वाले हैं आप सभी के लिए बहुत ही धमाका ऑफर आ गया है। बहुत ही कम कीमत पे आप लोग डिजिटल बोर्ड को ले सकते हैं। जो वारंटी आपका 3 इयर्स का था, अभी हम लोग उसको 5 इयर्स कर दिए हैं, 5 इयर्स हम लोग वारंटी दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारा दिया गया नंबर है 9973725719। टीचर्स के लिए सबसे बड़ा जो है ये चीज अभी मौका होता है 5 सितंबर। क्या होता है 5 सितंबर? ये जो है टीचर्स के लिए समझिए तो क्या है, एक उपहार है जिसमें कि हम लोग ये चीज देते हैं टीचर्स डे के अवसर पे, मतलब बहुत कम कीमत पे प्रोवाइड जो करवाते हैं, ठीक है। टीचर्स के लिए ये एक उपहार भी है हम लोगों के लिए, क्योंकि टीचर्स का एक दिन होता है जिसका दिन का नाम क्या है, 5 सितंबर। तो हम लोग डिजिटल बोर्ड वगैरह के बारे में आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं, कुछ पहले जान लेते हैं। यदि आपको लेना होगा तो उस नंबर पे आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले यदि डिजिटल बोर्ड की यदि बात की जाए ना दोस्त, तो डिजिटल बोर्ड बेचने वाला मार्केट में बहुत सारा है। डिजिटल बोर्ड बेचने वाला मार्केट में क्या है, अभी बहुत सारा है, ठीक है। आप यूट्यूब इंडस्ट्री की यदि बात की जाए तो यूट्यूब में भी बहुत सारा ऐसे चैनल है जो कि डिजिटल बोर्ड वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम यदि आप लोग हमसे लीजिएगा तो आपको क्या बेनिफिट्स होगा, हम लोग एक टीचर्स के लिए हर एक चीज प्रोवाइड करते हैं, उसका खुद का ऐप प्रोवाइड करते हैं, खुद का वेबसाइट प्रोवाइड करते हैं। आपको पीपीटी पीडीएफ नहीं बनाने के लिए आता है तो हमारा टीम आपको वो बताएगा कैसे बनाना है। यदि आपको सर्विस भी लेना है तो हम लोग उसका भी सर्विस देते हैं, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं उस नंबर पर, ठीक है। तो डिजिटल बोर्ड लेने से पहले आपको 3-4 बातों पर बात रखना है। सबसे पहले आपको रखना है ये बात, जो किस वेंडर से आप लोग ले रहे हैं, ठीक है। हो सकता है डिजिटल बोर्ड कोई भी आपको, ठीक है, एक्स कंपनी का डिजिटल बोर्ड, मानने वाली बात है, एक्स कोई कंपनी नहीं है, कोई कंपनी का हम नाम नहीं ले रहे हैं, मानने वाली बात है जो कोई एक एक्स कंपनी है उसका डिजिटल बोर्ड कोई आपको 1,35,000 में दे रहा है, कि मतलब क्या होता है दोस्त, 1,000, कोई 1,35,000 में दे रहा है, कोई यही बोर्ड आपको 1,40,000 में दे रहा है, तो आपको आंख बंद करके डायरेक्ट यहाँ पे नहीं लेना है, ये आपका क्या होगा, ये आपका प्रॉब्लम होगा, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लेना है, तो आपको पहले चेक करना है यहाँ भी, ठीक है। हो सकता है ये आपको हर एक चीज प्रोवाइड करता हो सकता है इसका सर्विस जो है क्या है, बेस्ट हो, क्या है, सर्विस जो है बेस्ट हो, लेकिन आप डायरेक्ट वेंडर पे यदि जाते हैं और एक कंपनी आपको सेम ही मिल रहा है, एक डिजिटल बोर्ड 1,35,000 मिल रहा है, एक 1,40,000 में आपको मिल रहा है, ठीक है, एक डिजिटल बोर्ड आपका 1,40,000 मिल रहा है, तो आपको ऐसा नहीं करना है जो डायरेक्ट 1,35,000 वाला से ले लेना है, पहले दोनों का जाना है, डिफरेंस को अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है, उसके बाद पता करना है अच्छा ये बेस्ट है तो ये भी बेस्ट। मैंने बहुत सारा वीडियो में बताया है 2K से, ठीक है, यदि आपको सपोज यार 2,000 से 5,000 ज़्यादा लग रहा है तो इस चक्कर में ऐसा नहीं है जो कोई दूसरा आदमी या कोई ऐसा वेंडर से ले लीजिए जो डिजिटल बोर्ड बेचता हो। अब मोबाइल वाला उसे यदि जाते हैं आप, ठीक है, जो जो डिजिटल बोर्ड वगैरह बेचता है, बहुत सारा मोबाइल दुकान वाला भी अब डिजिटल बोर्ड वगैरह बेचने लगा, आपके एरिया वगैरह में होगा ऐसा, ठीक है, या जो कंप्यूटर वगैरह बेचता है वो भी बेचता है, तो वो तो आपको डायरेक्ट डिजिटल बोर्ड लगा देगा। लेकिन हम लोग एक एडुकेटर्स को यूट्यूब पे कैसे ग्रो हो सकते हैं, ठीक है, अपना खुद का ऐप कैसे बना सकते हैं, मतलब हर एक चीज बताते हैं, इसलिए यहां से लेने में आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होगा। उसका दूसरा बात अभी क्या आ रहा है, साइज पे ज्यादा अभी लुक चल रहा है, तो अभी मेनली साइज जो है 3 साइज का डिजिटल बोर्ड ज्यादा चल रहा है। पहला हो गया 1.65 इंच, क्या हो गया, एक पहला क्या हो गया आपका 65 इंच का, फिर दूसरा आपका हो गया 75 इंच का और तीसरा हो गया आपका 86 इंच का। ये तीनों डिजिटल बोर्ड जो है अभी बहुत ज़्यादा मार्केट में चल रहा है, ठीक है। पहला ये हो गया आपका, वेंडर पे ध्यान देना है, फिर दूसरा आपको क्या हो गया, डिजिटल बोर्ड पे ध्यान देना है, ठीक है, समझ गए बातों को, ये सब जैसे आप लोग समझ जाइएगा तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अब आपको देना है प्राइस के ऊपर, प्राइस के ऊपर पहले भी आपको बताए हैं, प्राइस यदि सपोज यार 2,000 से 4,000 जहाँ ज़्यादा भी लगता है वहाँ पे लीजिए, ठीक है। यदि मान चलिए 1,40,000 ये ज़्यादा ले रहा है, 1,35,000 में अच्छा मिल रहा है, ये भी अच्छा सर्विस, दोनों सर्विस में भी ठीक है, तो हमको ये नहीं है जो 5,000 ज़्यादा दीजिए तो यहाँ पे लीजिए आप लोग, ठीक है। लेकिन ये सब चीज़ पे आपको देना है, पहले वेंडर आपको अच्छा चूज करना है, फिर साइज ये देख लीजिएगा, क्योंकि 1.5 लाख 2 लाख रुपये आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कम से कम 4 साल 5 साल चले वो तो कीजिएगा ना आप, तो ये देखना है साइज को एक बार चूज करके अच्छे तरीके से। इसमें क्या होगा, जो भी आपका नियर बाई में ऑफिस होगा तो वहाँ पे आप जा सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे जाइए आप लोग देख लीजिएगा कितना साइज का है, आपके लिए कौन सा कंफर्टेबल है, आपके लिए कौन सा अच्छा है, सुटेबल है कौन सा है, उसके बाद फिर प्राइस पे ध्यान दे दीजिएगा, 2-4 हज़ार ज़्यादा लगे लेकिन अच्छा जगह से लीजिएगा, ठीक है। तो आपको इस टाइप से मिल जाएगा डिजिटल बोर्ड, अभी ऑफर चल रहा है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में।